हाल ही में खगोलविदों की एक टीम द्वारा दूर सुदूर ब्रह्मांड में एक नए प्रकार की आकाशगंगा को खोज निकाला गया। यह आकाशगंगा इतनी ज्यादा अजीब निकलकर सामने आई कि पहले पहल जब वैज्ञानिकों ने इस आकाशगंगा को देखा था तब वह इसे एक क्वेजार समझ बैठे थे, जिसका कारण था अल्ट्रावायलेट रोशनी में इससे प्राप्त होती बेहद ज्यादा चमक। लेकिन बाद में हुई गहराई से ऑब्जर्वेशंस के चलते ये खुलासा हुआ कि जिसे अब तक एक क्वेजार समझा जा रहा था वो दरअसल एक आकाशगंगा थी जो बेहद ज्यादा असामान्य विशेषताओं को दर्शा रही थी। ये आकाशगंगा थी BOSS-EUV-LG-1, जिसकी दूरी हमसे तकरीबन 12 अरब प्रकाश वर्ष तक आंकी गई। इस आकाशगंगा में वैज्ञानिकों ने बेहद ज्यादा तेज गति से नए तारों को जन्म लेते हुए ऑब्जर्व किया है, जो नए होने के साथ साथ बेहद ज्यादा मैसिव भी पाए गए हैं। सबसे कमाल की बात तो यहाँ ये है कि इस आकाशगंगा में वैज्ञानिकों ने कोई डस्ट भी ऑब्जर्व नहीं की है और ना ही इसमें मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल को एक्टिव पाया है। BOSS-EUV-LG-1 नामक इस आकाशगंगा की खोज SDSS यानी स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे के प्रोजेक्ट BOSS यानी बैरियन ऑक्सीलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे के तहत तकरीबन 5,00,000 आकाशगंगाओं और क्वेजार्स को एनालाइज या कहें विश्लेषण के दौरान हुई। दरअसल बॉस प्रोजेक्ट को डिजाइन ब्रह्मांड के होते विस्तार या एक्सपेंशन रेट को मापने और LRG यानी लुमिनस रेड गैलेक्सीज और क्वेजार्स के मानचित्रण या कहें इनका नक्शा तैयार करने के लिए किया गया था। ब्रह्मांड में दूर सुदूर दिखाई पड़ी इस नई और बेहद पुरानी आकाशगंगा को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल थे GTC यानी ग्रैंड टेलीस्कोपियो कैनेरियस और चिली में मौजूद एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप। इस आकाशगंगा की रेड शिफ्ट भी तकरीबन 2.47 निकलकर आई है, जो ये दर्शाता है कि यह आकाशगंगा तब अस्तित्व में आ चुकी थी जब ब्रह्मांड अपनी उम्र का 20% मात्र था। टीम ने स्टडी से ये भी पता लगाया है कि इस आकाशगंगा की इतनी चमक के पीछे का कारण है इसमें जन्म लेते दिखाई पड़े बहुत ज्यादा तारे और साथ के साथ बेहद ज्यादा मैसिव भी। इस आकाशगंगा में इन तारों के जन्म लेने की दर इतनी ज्यादा तेज है कि यहाँ प्रतिवर्ष 1,000 सोलर मैसिव जितनी संख्या में तारे जन्म ले रहे हैं, जो लगभग 1,000 गुना ज्यादा तेज रफ्तार है अगर इस आकाशगंगा की तुलना हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे से करें, जबकि यह आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा की तुलना में 30 गुना ज्यादा छोटी ऑब्जर्व की गई है। आज ब्रह्मांड में हर रोज होती इन नई नई खोजों से एक बात तो साफ हो जाती है कि हम ब्रह्मांड को आज पूर्ण रूप से समझ पाने का दावा कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी इसके बहुत से राजों पर से पर्दा उठना बाकी है। बहरहाल अगली अपडेट 21,50,00,000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक आकाशगंगा में दिखी एक बेहद दुर्लभ घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा एक सूर्य जैसे मैसिव तारे को एक ब्लैक होल द्वारा निगलते हुए फिल्माया गया, जो खुद मैस में तकरीबन 10,00,000 से ज्यादा गुना द्रव्यमान था। आमतौर पर खगोल वैज्ञानिक इस तरह की खगोलीय घटना को TDE यानी टाइडल डिस्रप्शन इवेंट नाम से परिभाषित करते हैं। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ये टाइडल डिस्रप्शन इवेंट दूसरे दिखे किसी भी टाइडल डिसरप्शन इवेंट से इसलिए भी इतना खास था क्योंकि ये अब तक का दिखा सबसे करीबी टाइडल डिसरप्शन इवेंट था। इस इवेंट को पहली बार वैज्ञानिकों द्वारा पिछले साल सितंबर में स्पॉट किया गया था और इसे नाम दिया गया AT-2019-QIZ। टाइडल डिसरप्शन जैसे इवेंट दरअसल तब घटित होते हुए देखे गए हैं जब कोई तारा किसी ब्लैक होल के इतने करीब तक आ जाता है कि ब्लैक होल की बेहद ज्यादा टाइडल फोर्सेस के चलते, जो उसकी बेहद ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड्स के चलते उस करीब आते तारे पर साफ पड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, जिसके चलते सबसे पहले वह तारा स्ट्रेच यानी फैलता है और बाद में पूरी तरह से ब्लैक होल द्वारा उस तारे पर इतना खिंचाव डाला जाता है कि वह एक बेहद ज्यादा चमकदार रोशनी के साथ फट पड़ता है और ब्लैक होल में समा जाता है। और ठीक ऐसा ही इस घटना में भी देखा गया, जिसमें ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में इस तारे के डेब्रिस के गिरे जाने से पहले इस इवेंट में वैज्ञानिकों ने बेहद ज्यादा चमकदार फ्लेयर को ऑब्जर्व किया था। साथ ही में वैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि अक्सर ऐसे इवेंट्स में रोशनी के इस चमकदार फ्लेयर को
ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद उत्पन्न हुए धूल के बादलों द्वारा कुछ समय के लिए छुपा लिया जाता है, जिसके चलते इस इवेंट में बारीक से बारीक डिटेल्स को स्टडी कर पाना मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन इस घटना में वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि जब ब्लैक होल ने इस तारे को नष्ट किया, तब ब्लैक होल के इर्द गिर्द नष्ट होते इस तारे से एक ताकतवर बाहर की ओर किए गए मटेरियल ब्लास्ट को ऑब्जर्व किया गया, जिसने वैज्ञानिकों के लिए इस दृश्य को देखने के लिए बाधित कर दिया। आपको बता दें कि पिछले साल यह घटना वैज्ञानिकों ने ग्राउंड बेस्ड और स्पेस टेलीस्कोप्स के जरिए आसमान के जिस छोटे हिस्से में मौजूद गैलेक्सी में ऑब्जर्व की, वह हिस्सा मौजूद था एरिडानस नक्षत्र की ओर। आमतौर पर ये टाइटल डिस्क्रिप्शन इवेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या वेवलेंथ्स पर मौजूद ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट लाइट्स पर ही ज्यादा चमकते हैं, पर 82019 QIZ नामक यह टाइटल डिस्क्रिप्शन इवेंट रोशनी की अन्य वेवलेंथ्स जैसे एक्सरे, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट और ऑप्टिकल पर भी वैज्ञानिकों द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। वेल, 82019 QIZ नामक यह इवेंट अब तक का खोजा गया सबसे करीबी टाइडल डिस्क्रिप्शन इवेंट था, जिसने वैज्ञानिकों को इन तरह की घटनाओं पर और ज्यादा बारीकी से अध्ययन करने में मदद की, और वैज्ञानिक अब इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। अगली और आज की आखिरी अपडेट एक ऐसे तारे को लेकर है जो एक लंबे वक्त से वैज्ञानिकों के बीच सुर्खियों में बना हुआ है, और इसको लेकर वैज्ञानिकों ने जो हाल ही में पता लगाया है वो शायद आपको हैरत में डाल दे। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं बीटलजूस तारे की। साल 2019 के आखिर और 2020 की शुरुआत से ही वैज्ञानिक इसकी चमक में हैरतअंगेज उतार चढ़ाव को नोटिस करते आ रहे हैं, जिसका कारण कभी इसके इर्द गिर्द मौजूद धूल के बादलों को बताया गया या तो इसकी सतह पर उभर आए एक बड़े सनस्पॉट को बताया गया। इसकी चमक में आ रहे इस अत्याधुनिक उतार चढ़ाव का ही नतीजा रहा जो ये तारा खगोल वैज्ञानिकों की नजरों में लगातार बना रहा। अब हाल ही में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में मौजूद रिसर्चर्स की एक टीम ने इस तारे पर की गई हालिया स्टडी से बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको बताते चलें कि बीटलजूस उन कुछ तारों में से एक रहा है जिसका आकार हमेशा से ही एक अबूझी पहेली रहा है। ये ऐसा तारा नहीं है जैसा हम अक्सर अपनी किताबों वगैरह या डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखते आते रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है कि दूसरे तारों जैसे या हमारे सूर्य जैसे ये परफेक्ट स्मूथ स्फीयर जैसे नहीं है। इसके उलट ये किसी पल्सेटिंग ब्लॉब यानी बूंद जैसा दिखाई पड़ता है अपनी फजी एजेस के साथ। इसी के चलते इसके असल आकार को लेकर ज्यादा सटीकता के साथ इसको मैप कर पाना हमेशा से ही कठिन रहा है। पिछली हुई स्टडीज अब तक यह दर्शाती आई थी कि बीटलजूस तारे का डायमीटर जुपिटर की ऑर्बिट के आगे तक भी हो सकता है। इससे पहले भी साल 1920 के अध्ययनों में इसके आकार का अंदाजा जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के लगभग 2.5 गुना के बराबर लगाया गया था, वहीं तब इसकी दूरी हमसे महज 180 प्रकाश वर्ष तक ही मानी गई थी। बाद में हुई बेहतर ऑब्जर्वेशंस के चलते ये तारा जहां दूरी में हमसे तकरीबन 650 से 700 प्रकाश वर्ष दूर खिसक गया, तो वहीं दायरे में ये सूर्य से 1300 गुना तक ज्यादा बड़ा माना जाने लगा। वहीं ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में मौजूद रिसर्चर्स की एक टीम जिसको लीड कर रही थी डॉक्टर मेरेडिथ जॉयज, इनकी टीम द्वारा इस तारे पर की गई हालिया ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि बीटलजूस हमसे 700 प्रकाश वर्ष नहीं बल्कि 530 प्रकाश वर्ष तक ही दूर मौजूद है, जो इसको अब हमसे लगभग 25% तक करीब ले आता है। और वहीं सूर्य से रेडियस की तुलना में भी ये सूर्य के मुकाबले महज 750 गुना ही ज्यादा बड़ा निकलकर सामने आया, जो पिछले आकार की तुलना में उसका सिर्फ 2/3 है, जो वाकई हैरान कर देता है। और तो और नई स्टडीज ये भी बताती हैं कि क्योंकि बीटलजूस तारे ने अब हीलियम को भी फ्यूज करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब इसके पास 1,00,000 साल ही बचे हैं, अपनी उम्र के इस समय सीमा में ये कभी भी सुपरनोवा विस्फोट कर सकता है। वैसे भले ही इस तारे की दूरी हमसे 25% तक कम हो चुकी हो, लेकिन फिर भी ये हमसे अभी भी इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है कि इससे हमें या हमारी पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। तो अब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस तारे में सुपरनोवा जल्द से जल्द हो, क्योंकि वह घटना और नजारा बेहद ही दिलचस्प होगा। बहरहाल, आज के इस एस्ट्रोनॉमी अपडेट्स एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड करते ही मिल सके। तो मैं मिलता हूं अब आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज,
एंड टेक केयर।